बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा साथ साथ हो जाए। आज हम प्रेजेंटेशन करेंगे कॉकरोच की। इसकी कॉकरोच जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक रखता है। आपने फाइलम पढ़े ना, नीलेदार आर्थ्रोपोडा वगैरह ना, तो ये किससे है? आर्थ्रोपोडा से है। इसकी जो क्लास है इंसेक्टा है, 1 or 2 पेयर्स ऑफ विंग्स हैं। तो अटैच टू द थोरेक्स। इसकी जो फैमिली है वो मल्टीट्यूड फोल्डिंग ऑफ हैंड विंग्स है। और जो स्पीशीज़ वो अमेरिकना है। असल में अमेरिकना का मतलब होता है कि ऐसी स्पीशीज़ जो आपको आम मिल जाती है घरों में, जैसे मिल जाती है, ठीक है ना। इसकी अगर आप शक्ल देखें ना, तो इसकी इस कलर का, इसकी दो, एक ब्राउन कलर होता है और रेड डार्क कलर भी होता है, और ब्राउन कलर स्पेशली आ गया है, ठीक है ना। ये इसकी एक तो मैंने नेट से इसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे एक इसकी, ये पैटर्नल व्यू है इसका, वेंट्रल व्यू है। कौन सा? उल्टाई हुई फिगर जिसको हम बोलते हैं। इसका ये पोर्शन हेड है, ये वाले जो है वो एंटीना है, कंपाउंड आई है, ओरोथोरैक्स है, मेसोथोरैक्स है, मेटाथोरैक्स है, मिडिल लेग है, एब्डोमेन है और एक्सेट्रा। तो इसको हम थोड़ा सा स्टेप बाई स्टेप डिस्कस करते हैं। ये हमने एक लाइव जो है वो एक कॉकरोच पकड़ा हुआ है। अब इसके ये इसके हेड पार्ट है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, एंटीना है। एंटीना नहीं बोलते हैं, एंटीना वर्ड है, ठीक है। सही तरह ये आप देखें, इसके 2 and 2 and 2 6 लेग्स हैं, ठीक है। इसके 3 पोर्शंस हैं, कितने? अगर हम इस हेड को ऐसे पकड़ के ना, ऐसे इस पास से खींचें आप, आप तो जैसे सुनिए, ये जो इसके साथ साथ बाहर आ रहा है ना सारा, ये इसके एलिमेंट्री कनाल है, ठीक है। अच्छा, ये हेड उतारने के बाद भी ना ये ज़िंदा रहता है, ठीक है। इसके सेंसरी ऑर्गन्स कोई नहीं होते सेंसरी, और ये जो है वो एक से यानी 1 वीक तक भी जो है वो ज़िंदा रह सकता है, ठीक है। इसके ये देखें, ये जो पोर्शन है ये अलग हमने किए, ये मेसोथोरैक्स है, मेसोथोरैक्स। आप इस तरफ फिगर पे ज़रा आइए, इस साइड पे ये मैंने हिस्सा जो अलग किया ना, ये सॉरी पोरोथोरैक्स क्या था, और जो दूसरा हिस्सा है वो है मेसोथोरैक्स, और फिर है मेटाथोरैक्स। और ये वाला जो अगला पार्ट है ना, ये जो हमने अलग करना है, ये वाला ये वो हेड वाला पोर्शन है ना, ये पोरोथोरैक्स। कौन सा है? पोरो। आप जरा इसको दूसरी तरह देख लीजिए, ये जो जहाँ हेड अटैच होगा ना, अटैच होगा उस पार्ट को बोलोगे थोरैक्स सेगमेंट्स का वो पार्ट जो सबसे आगे, इसको पोरोथोरैक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोरोथोरैक्स के बाद जो अगला पोर्शन था वो ये था, ये वाला। आप सुधर देखिए, ये वाला, ये जो मैंने अलग किया वो क्या था? पोरोथोरैक्स। अब अगले वाला क्या है? मेसोथोरैक्स। ये मेसोथोरैक्स अलग कर रहे हैं, ये अब आप देखें ये पोर्शन जो है, ठीक है, मेसोथोरैक्स है, पहले पोरोथोरैक्स हुआ, उसके बाद मेसो, और जो बाकी बचा ये पोरोथोरैक्स, ये मेटाथोरैक्स होगा।
ओरोथोरेक्स नंबर वन, उसके बाद मेसोथोरेक्स है, उसके बाद क्या है मेटाथोरेक्स, और ये जो पीछे रह जाएगा ना ये वाला, इसको बोलते हैं एब्डोमन। कौन सा पार्ट है ये? तो मेनली आप कह लें कि कॉकरोच के तीन पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? एक वो हार्ट जिसको हम बोलते हैं हेड, क्या है ये वाला जो पोर्शन हमने अलग किया था, ये क्या है हेड है। हेड के साथ नंबर दो पे ये आता है, ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बताया, ये क्या है पोरोथोरेक्स। पोरोथोरेक्स के बाद जो अगला पोर्शन आता है वो है मेटाथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड देन क्या है और मेटाथोरेक्स के बाद क्या है ये पार्ट आता है एब्डोमेन। कौन सा पार्ट है? लास्ट वाला पार्ट एब्डोमेन। मैं आपको इसको इधर इसको अभी दस से ज़रा ये दूसरे देखिए इधर से, ये आपको पहला पोर्शन नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हेड को आप देखें ऐसे, ये हेड है, ठीक है। और इसको अगर मैंने उसका जैसे निकाला इसको फिर निकाल के बताता हूँ, ये एलिमेंट्री के नाल सारे इसके साथ साथ आ गए, ठीक है। और ये एनल है, क्या है एनल, ठीक है। ये जो एनल है ये किस पोर्शन में होगा? ये एब्डोमेन पोर्शन में, इसमें होगा एब्डोमेन पोर्शन में होगा, इसको यूँ समझ लें। और ये एंटीना ये हेड है, इसकी आईज हैं, क्या है आईज। अच्छा ये देखना हो ना तो इसके बाद फिर ये एक बात समझे कि ये जो इसकी लेग्स है ना ये टू टू एंड टू हाउ मच सिक्स, सर बोलें कितनी है सिक्स। जो इसकी सबसे पहली जो लेग्स हैं ये दो, इसको बोलते हैं फोर लेग, क्या एफ ओ आर ई फोर लेग। इसी जो अगली दो लेग्स हैं इसे बोलते हैं मिडल लेग, कौन सी, और जो लास्ट की दो बड़ी लेग्स हैं इसे बोलते हैं हिंड लेग, क्या बोलते हैं हिंड। आप तरह तवज्जो से देखिए, इसी तरह इसके ये जो पहली दो लेग्स हैं ये पोरोथोरेक्स अटैच है, किससे, इसके बाद जो अगली दो लेग्स हैं वो मेसोथोरेक्स अटैच, और जो अगली दो हैं वो है मेटाथोरेक्स अटैच, किससे है, और जो पीछे अभी इसका वो एब्डोमेन मैंने उतार दिया है वो चले इसको इसके वाले की यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये देखना हो कि ये मेल कॉकरोच है या फीमेल को, तो वो आपको एब्डोमेन वाले पार्ट में पता चलेगा, कहाँ पे एब्डोमेन, ये एब्डोमेन पार्ट है। अब देखिए इस क्लोज करें, जो कुछ क्लोज करके दिखाया करें ना ताकि पता तो चले, ये जो है ये मेल कॉकरोच है, कैसा है मेल। अच्छा अभी ये मेल और फीमेल कॉकरोच के बारे में समझने के लिए ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप इस फिगर को देखिए, मैं तो बड़ी करता हूँ और ऐसे कर, ठीक है पहुँचती है। इसे नम एनल करकाई बोलते हैं, क्या एनल, ये जो नज़र आ रहे हैं ना एब्डोमेन में एनल करकाई, आपको देख रहे हैं इस पर जान से दिखाई दे रही है आपको, हालांकि ये मैंने कल का इसका सार उतारा हुआ है, कितने दिन कल 48 घंटे गुजरने के बाद भी, क्यों कि इसके अंदर सेंसरी आर्गान नहीं होते, सेंसेशन नहीं होती, जैसे हमारे बीच में ये हराम मगज़ है ना रीढ़ की हड्डी, ठीक है, तो इसके अंदर चूँकि चीज़ नहीं होती इसलिए ये इस बात महसूस नहीं करता, ठीक है। तो ये देखिए ये जो आपको ये नज़र आ रही है तीन साहब ये वाली, ये और ये, इसे हम बोलते हैं करकाए, कोई लफ्ज़ सही वर्ड, वैसे ये वर्ड सही है सरसाए, क्या है, और इसके साथ में सहलाए, इसके नीचे ये सहलाए, ये देखें ये ऐसे करके निशा बना कर दिखा, ये दो वन एंड टू, ये देखिए वन ये वाला एंड देन टू, और ये जो है ये है एनस का है, तो जिसमें ये दोनों होंगे ना और ये भी होंगे तो ये मेल होंगे।
अब ज़रा आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये एब्डोमिन पार्ट।